अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा अनगिनत लातादाद एहसान है कि जिस खालके कायनात ने असां सारियां नूं अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अपने खसूसी फजलो करम दे नाल अपने प्यारे हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत मुस्लिमा विच पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने असां सारियां नूं ये तौफीक अता फरमाई कि अज दे मुकद्दस दिन जुमतुल मुबारक नूं खालसतन अपने रब की इबादत वास्ते उसने पाक घर विच हाजर हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप सब अहबाब की इस हाजिरी नूं अपनी पाक बारगाह लम यज़ल विच कबूल और मंजूर फरमाए और अपनी ये तौफीक हमेशा हमेशा साढ़े शामले आल फरमाए और कल मैशर दे मैदान अल्लाह करीम असां सारियां दी बख्शिश दा सामान बनाए। ईद उल फितर ना अज तीसरा दिन है। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब अपने अपने इलाकियां च ग्रामां विच ईद करने वास्ते गए और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि असी उत्थे ते नहीं आ सकने हैं लेकिन लाइव तुहाडी तकरीर असी जरूर सुन सां। मैं ईद उल फितर ते भी अजमत वालदैन के हवाले नाल गुफ्तगू की लेकिन सहर असल गुफ्तगू वक्त की किल्लत के पेशे नज़र ना कर सकिया लेकिन अज के खिताब ने अंदर कमली वाले ने बेशुमार आशकों विचों उस अजीम आशक ना जिक्र छेड़न लगा वा जिसा दुनिया मौलाना अब्दुल रहमान जामी के नाम तो जाननी है। सारी दुनिया ना तवज्जो और महव मरकस गुम्मत खजरा है। हर बंदा उत्थे जान की तैयारी करना लेकिन मौलाना अब्दुल रहमान जामी कमली वाले ना वो आशक है जिसा कमली वाले मिलने यानी खुद सरकार तशरीफ लैके आए। मौलाना अब्दुल रहमान जामी आप ने बहुत सारे नातिया शार बड़े मरसीए बड़े कसीदे आपने लिखे ने सारा कलाम आपना फारसी में अंदर है। हजूर गौसल आजम ने 336 साल बाद अपनी विलादत बा शहादत शुबान अल मुअज्जम ने महीने में हुई है। आपना जड़ा इलाका है अफगानिस्तान ना एक शहर है अस्फहान उस शहर ने कस्बे ने अंदर आपनी विलादत बा शहादत हुई है और आपना जड़ा खानदान आया वह सारा आलम दीन आया। आपने वालदे गिरामी मौलाना निजामुद्दीन अल्लाह करीम उन्हें भी कमली वाले ना मुसल्ला और मिंबर अता फरमाए या आपने जड़े दादा है अल्लाह करीम उन्हें भी इस तरह तू नवाजे या वह भी मिंबर और मुसल्ले ने वारस आए। आपने जड़े सुसर आए वह भी मौलाना साहब आए। आपनी विलादत के पास आदत जिस वक्त हुई आपने वालदे गिरामी मौलाना निजामुद्दीन फरमाने ने कि जिस वक्त मेरे बेटे की उम्र 5 साल नहीं हुई मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आपना नाम अब्दुल रहमान है ते दो आपने लकबन एक अमादुद्दीन एक नूरुद्दीन। इमादुद्दीन दीन ना सतून ते नूरुद्दीन दीन ना चराग ते जामी आपना जड़ा इलाका या जिला जाम अफगानिस्तान अंदर काबल ने अंदर उस निस्बत नल आप जामी आखिया जाना है और आपना मजारे पुरनवार भी आपने इलाके ने अंदर है आपने शहर ने अंदर है। बड़े बड़े कमली वाले ने आशक गुजरे ने बड़े बड़े लोगों तबाह की थी। पुराने मजीद फुरकानी अमीर की जिस आया मुबारक में उन्होंने गुफ्तगू बढ़ाया कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियून युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सोनिया कुल तुसी फरमा दियो एक गल तुसी आखो अपने गुलामा एक गल मेरे वालों सोनिया तू आख इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियून युहिब्बुकुम अल्लाह।
अगर तुसी चाहने हो ना कि साडा रब साडे नाल मुहब्बत करे, साडा रब साडे नाल मुहब्बत करे, सोणिए इन्हां नूं आख ए तेरी इत्तबा करन, तेरी फरमा बरदारी करन, ते फिर इन्हां मेरे नाल मुहब्बत करन दी जरूरत कौन नहीं, युहबिबकुमुल्लाह, फिर मैं रब इन्हां नाल आप मुहब्बत करूं। ते जिना जिना इत्तबाए रसूल कीती, कमली वाले ने यार हजरत अबू बकर सदीक अब्दुल्ला इब्ने अबी काफा ए इत्तबा कीती, मेरे नबी ने अबू बकर सदीक बना दिता। थोड़े थोड़े जरा मेरी हो, थोड़े थोड़े कमली वाले ने यार हजरत अबू बकर सदीक का इत्तबाए रसूल ना जो नतीजा निकलिया, यानी जो अजर मिलिया, मेरे कमली वाले ने आप वहां सदीक बना देता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो वेखो कि हजरत उमर फारूक, उमर इब्ने खताब ऊठा ने चरवाए, इत्तबाए रसूल कीती, कमली वाले नी मुरीदी विच आए, ते सोने नी बारगाह विच आप फारूक आजम दा लकब मिल गया। इस तरह हजरत उस्मान बिन नूरैन वेखो गनी बन गए, हजरत मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम आप शुजात ने मम्बा और वलायत ने मम्बा बन गए। जेड़ा जेड़ा इत्तबाए रसूल आना रहा, ओ सुलेमान फारसी, फारस विचू आन वाला इत्तबाए रसूल कीती, मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान मेरी अहले बैत ने विचू है, यानी उस बारगाह विच जेड़ा आया उस मेरे नबी खाली नहीं मोड़िया। ओ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ना वेखो अबश न रहन वाला, दंद लम्मे होंठ मोटे मोटे, मक्के नियां चौधरियां नियां मुठियां भरण वाला, उन्होंने हुके सिद्धे करने वाला, कमली वाली ने गुलामी चाया, इत्तबाए रसूल कीती, मेरे नबी ने अलकाब हो दिता कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो जिस वेले बुलाने आए ते आखने आए सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला। सैयदना मतलब है सरदार, ओ सरदार बिलाल, ए लकब कमली वाले नी बारगाह विचो मिलिया। ते जिन्ना जिन्ना इत्तबा कीती उन्हां मेरे नबी बड़ा बड़ा नवाजिया, अल्लाह ने बड़ा नवाजिया। ए अफगानिस्तान ने रहने वाले मुलाना अब्दुल रहमान जामी, बस मजमून शुरू, 5 साल की उम्र आई, आपने वालद फरमाने ने कि मैं अपने बेटियां लेके एक साडे इलाके के अंदर बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग आए जिन्होंने ना आया मौलाना मुहम्मद पारसा, मैं उन्होंने को ना लैके गया। जिस वक्त मैं उन्होंने को ना लैके गया तो उन्होंने अपने कोल बिठाया, बहुत सारी मिसरी दिती ने मिसरी, ते बार बार मेरे पुत्र वाल वेखन ते आखन बेटा है मिसरी खाई। ते मौलाना अब्दुल रहमान जामी अपनी किताबों में लिखी है कि उस मिसरी ना असर हुण भी मेरी जुबान ते जा रही है सारी है। आप दे वालदे गिरामी कहने ने मैं अपने बेटियां 5 साल की उम्र च फिर एक दूसरे बुजुर्ग गए उन्हां को लेके गया जिन्हों का नाम फखरुद्दीन है। आप फरमाते ने बड़े नेक बुजुर्ग आए, अल्लाह ने बड़े मुत्तकी आए, औलिया अल्लाह है। मैं जिस वेले अपने बेटियां लेके गया वा उन्हें जनाब आवा विच ना लिखना शुरू किया वे, आवाज अंदर अलामा फखरुद्दीन ने ना लिखिया हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया ए अल्लाह दे वली कमली वाले दिया यारां दे ना हवा वज क्यों पे लिखने। गल समझ आई नहीं, अजे उम्र 5 साल नहीं आई, ए आवाज ना क्यों पे लिखने हो। आपने वालदे गिरामी फरमा देने मैं समझ गया वा ए मेरा पुत्र कोई आम बच्चा नहीं है, खास है, ए आम नहीं है। फिर आपने तालीम हासिल कीती है, दीनी तालीम भी हासिल कीती है, दुनियावी तालीम भी हासिल कीती है। आप फरमाने ने मैं तालीम हासिल कर चुकिया वा, फिर मैनू कमली वाले नाल मुहब्बत जड़ी सी इश्क आया वो जाग उठिया वे। मैं आखिया कमली वाले नहीं आउण नाता लिखणी, सरकार नहीं नाता लिखनिया शुरू करा। आप फरमाते ने मैं फिर कलाम वाले पासे मुतवज्जे हो गया कि मैं कलाम लिखा,
आपने सारे अशार फारसी विच ते जड़ा कलाम भी लिखने उस ना दर्द इन नहीं है कि बड़ा आजज ते मस्कीन अपने आपियां करके कमली वाले नी बारगाह पेश करने है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने कलाम लिखी है, बड़े बड़े कलामा ने शोहरत पाई है, लेकिन एक कलाम ऐसा हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने लिखिया, ऐसा कलाम लिखिया, लिख के जनाब सफा बंद कर दिता, मदीने वाले पासे मुंह कर किया, किया कमली वाले ओ ए मैं कलाम ऐसा लिखिया वे ए बार नहीं पढ़ांगा लोगा नहीं सुनावांगा, ए कमली वाले ओ कदे बुलाओ ना अपने दरबार विच, कदे अपने दरबार विच बुलाओ ना, ए सोनिया ए कलाम मैं आप थोड़ी बावरगाह विच पढ़ना चाहना वा, सोनिया कदे बुलाओ ना उत्थे बुलाओ ना, कोई सबब करो ना मैं उत्थे आपनी बारगाह विच आवां ते ए कलाम मैं खुद आप सुनावां। बड़ी सिक मदीने दी लग गई है, बड़ी मोहब्बत मदीने नी लग गई है, मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने कलाम लिखिया, सुनो कलाम ते आपना दिल अशश कर उठेगा। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने जड़ा कलाम लिखिया, तनम फरसूदा जा पारा दी हिजरा या रसूल अल्लाह, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने जड़ा लिखिया, ए फारसी है मैं तर्जमा भी करना वा, तनम फरसूदा जा पारासी हिजरा या रसूल अल्लाह, मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया, कमली वाले ओ आपनी मोहब्बत विच आपने इश्क विच जामी ना दिल टुकड़े टुकड़े हो गया वे, पारा पारा हो गया वे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलम पे मुर्दा आवारा दी इसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल ते गुनावा ना बोझे, ए कमली वाली ओ इतना मेरे दिल ते बोझ हो गया वे के जड़े मेरे दिल ना ए बूटा वे फुले मुरझा गया वे, ए कमली वाली ओ मैनू बुलाओ ना अपने दरबार बुलाओ ना, ते कहने की ने गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं गरीबा, मैं गरीबा, मैं गरीबा, मैनू बुलाओ ना, अगे जना वेखो ना आखिया की ये नजर, हर हाले जारम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ते भी नजरे करम फरमा, मेरे ते भी नजरे करम फरमाओ ना, गरीबम बेनवा खाक सारम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे ते भी नजरे करम फरमाओ ना, अपनी इस खाक सार आले पासे भी तवज्जो करो ना, अगे की फरमाया, नसीमा जाने बेपतहा गुजर कर, मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने किया, ए बादे नसीम अगर तेरा गुजर, ए आवा अगर तेरा गुजर सोने दे देश विचों आ जावे, ए इश्क नी गल, इश्क नी गल हर बंदे नी समझ च नहीं आनी, मुहब्बत और चीज है ते इश्क और चीज है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने ऐसी गुफ्तगू की थी, ए कमली वाली ओ मेरे आवाज सरकार नी खिदमत च पेश करी, ए आवाए जदों उत्थों लंघ दियां वे ते कमली वाले नी बारगाह विच, जी दिलम मोहम्मद रा खबर कुल नाले भी कह लेने के कमली वाले मेरी हालत ना जानने भी ने, कमली वाले पहचानने भी ने मेरी हालत ना जानने नी, ते अगे की फरमाया, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, ए कमली वाली ओ सारे जान दे तुसी आलम हो, तुसी बादशाह हो, अगे जनाब मौलाना जामी ने किया, जी बरुए लुत्फे सुए मन नजर कुल
ऐ सोनिया तुसी आलम हो बादशाह पर एक नजर मेरे वल भी पाओ ना, एक नजर मेरे वल भी करो ना। ते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कल जिस वेले मैशर ना मैदान हो सी तुसी शफात फरमासो ते इस खाक सारा भुलियो ना। ऐ कबली वालियो मैनू याद रखियो, मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने बड़े बड़े अशआर लिखे ने कमली वाले नी बारगाह विच, बड़े बड़े अशआर लिखे ने जिहड़ी ए नात लिखी ने, दिल विच तमन्ना कीती है कि मैं आप कमली वाले दे रोजे ते जावांगा ते सोने नी बारगाह विच आप सुनावांगा। अल्लाह अकबर। फिर एक काफिला पैदल हज करने आए, पैदल ना जमाना आया, आपने घर को गुजरिया गुजरिया लोगों को पूछने किधर जा रहे हो, लोग आखिया मौलाना साहब असी हज करने वास्ते जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया ठहर जाओ मैं भी थोड़े नाल जावांगा। किताबा वाले लिख देने अंदर गए ने अपने समान की कठड़ी ले ली, कठड़ी ले के मौलाना अब्दुल रहमान जामी निकलन लगे। बीवी ने आखिया मौलाना साहब किधर चले हो, उन्हें आखिया मैं रसूलुल्लाह नी बारगाह भी जा रहा हूं, ऐ काफला आज वास्ते जा रहा वे। ते बीवी ने आखिया जरा ठहर जाओ कोई जाते सफर ले जाओ, मैं रोटी पका देनी है नाल ले जाओ, पैरों में जुतियां नहीं पाइया जे पैरों में जुती पा लो बड़ा लम्मा सफर है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया ना ना मैं सरकार दी नौकरी करने वाला वा, दुनियादारा दी नौकरी कीती जाए ते दुनिया दे जेड़े मालक होने ने ओ पन्निया खाली नहीं रखदे ने, ते मैं जिन्हां दी नौकरी करना वा ओ भी मैनू खाली नहीं मोड़ने। मैं जिन्हां दी नौकरी करना वा ओ भी मैनू खाली नहीं मोड़नगे। उन्हें आखिया अच्छा फिर इंज करो पैरों में जुत्ती पा लो। मौलाना अब्दुल रहमान जामी दा इश्क वेखो ना, जामी ने आखिया तू ठीक आके सवर बड़ा लम्मा जुत्ती पा लवा, लेकिन मेरी मेरा इश्क मैनू इजाजत नहीं देना वे कि मैं सरकार ने देश विच जावा ते जुतियां पा के जावा। हो सकता है उन्हां कदमां ते मेरा पैर आ जाए जिथे मदीने ना ताजदार लंघ गया वे। मैं जुती नहीं पानी है, ये जुती पाई ते फिर बेअदबी हो जैसी, ये गल्लां हुण सोशल मीडिया वाले मुफ्तियां कौन दसे, उन्हां के पता इस चीज ना नहीं जुती पाई। मैं बेअदबा च नहीं लिखना चाहना वा, मैं जुती ला के जासा किधरे बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि सारा कुछ ते अदब च ही मिलना वे। ताई ते मेरा अरफां दा सुल्तान फरमा गया वे के बेअदब की जाननी ए सारे अदबी दी ते के अदबा थी ए वांजे ते जेड़े मुड कदीम दे ए खेरे आई ओ कदी ना थी दे रांजे ते जड़े मिट्टी दे ए पांडे आई ओ कदी ना थी दे ए कांजे ते जिना इश्क अजूर नहीं मंगिया मेरा कामिल बाहू ओ गे दो ही जहानी ए वांजे मौलाना अब्दुल रहमान जामी पैरों नंगे। सानू कोई बंदा आखे ना इत्थों रोड तक पैदल जाना ते जुत्ती ला के जाना,
ते यकीन करो सी शर्मासा जरा पैरू नंगे पैरू नंगे ते उन्हें नहीं सोचिया उन्हें आखिया जब सीने च कमली वाले ने इश्क च बसाया ते फिर शर्मा की करना पैरा तो नंगे टोल पे सफर निया बड़िया मुसीबतां भी होनियां अज अगर इस दौर ने अंदर सारिया सहूलत मौजूद हैं बंदा टिकट कटावे ते एयरपोर्ट ते रिश्तेदार गड्डियां ते छोड़ के आने बेहो ते पांच सवा पांच या साढ़े पांच घंटे बंदा सऊदीया पहुंच जाना कोई परेशानी नहीं फिर भी एक दुनिया फोन करके दसन यार खैर नाल पहुंच गया मैं कोई मसला तो नहीं हुई कोई परेशानी तो नहीं हुई ते जिस वक्त लोग पैदल सफर करने हैं हज वास्ते ते किसी नाल कोई राबता नहीं कोई राबता नहीं अगर कोई काफिला किसी रस्ते च मिल जावे ते ओ पुछने पुछने भी कई महीने लगने आए ते मुड़ के फिर उन्होंने ग्रां खबर पुछनी है यार फलाने बंदे असां फलां मकाम ते मिले है ठीक है काफिला जा रहे है उस वेले लोगों का तवक्कल बड़ा पुख्ता आया गल समझी ने मेरी तवक्कल अल्लाह की जात ते बड़ा पुख्ता आया अज दुनिया दी सहूलत सारिया साडे कोल मौजूद हन पर तवक्कल कमजोर हो गया तवक्कल कमजोर हो गया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्के मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जदों भी हज वास्ते जाना चुप करके खामोशी नाल निकल जाना किसे रोक के पुछना बरेली ने ताजदार ए समाने सफर पर याने ते काफला जा रहा है हज वास्ते चले हो अगू बड़िया नजर नीवियां करके आखनी है कि सरकार की बारगाह में हाजिरी का इरादा है सरकार की बारगाह में हाजिरी का इरादा है अगर अल्लाह ने चाह तो मुझे हज भी करा देगा अगर अल्लाह ने चाह ते हुण इस जमाने के अंदर एक रवाज बन गया बंदा उमरे ते जा रहा ते सारिया फिर मिलने वास्ते जासी कि मैं जा रहा वहां फला तारीख मेरी डेट है फिर दस पंजा बंदे छोड़ने वास्ते जासन फिर इसे तरह उस लैने वास्ते जासन फिर तवक्को बंदा रखसी कि मैं जिस जिसा मिल के आया वहां तवज्जो है ना सन जिस जिसा मैं मिल के आया वहां ओ यारा कोई मठियाई ना डब्बा या मठियाई नी टोकरी या फुला ना हार मेरे वास्ते लैके आसी अगर ना लैके आसी ते बाद च गिला भी बच चलसी भाई यारा मैं तो दा मिलने वास्ते गए आ ते तू मिलने वास्ते नहीं आया वे ए क्या तरीका ठीक है सुन हुण मैं सो दसना मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अल्लाह नी बारगाह विच हो के आवे सुभान अल्लाह तवाफे काबा करके आवे हज करके आवे उमरा करके आए मेरे नबी ने फरमाया उसा मिलने वास्ते जाया करो ते इस नीयत नाल जाया करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ी नीयत नाल मेरे नबी ने फरमाया इस नीयत नाल जाया करो ओ पाक हो के आउणा वे ओ थोड़े वास्ते दुआ करेगा अल्लाह थोड़े वास्ते भी कोई सबब पैदा फरमा देवे कोई सबब पैदा फरमा देवेगा बंदा इस नीयत नाल जावे कि तू साडे वास्ते दुआ कर गया कोई सोने दे देश दियां गल्लां सुना इस वास्ते नहीं बंदियां बुलाना के जनाब मठियाई लेके आएगा ए ते जनाब तेरी फैमिली दा मसला है अगर कोई मुहब्बत नाल फैमिली नाल मेंबर आवे ते मठियाई ले ले फाबिया नहीं ते तवक्को ना रखिया करो तू इना लोगों वास्ते दुआ करना क्योंकि तू ते खालस अल्लाह दी रजा वास्ते काबे ने आज वास्ते गिया वे उमरे वास्ते गिया वे अगर तेरी नीयत च कोई फतूर आ गया कोई गल्ला आ गया ये अल्लाह फरमांदा वे मैं नेकियां जाया भी फरमा देना गल समझी ने नेकियां जाया होया भी देर नहीं लगनी मौलाना अब्दुल रहमान जामी काफले नाल हो गए टुर पे सफर निया मुश्किलात मुसीबतां लेकिन आशिक खुशी नाल छाला मारने जा रहे हैं कि मैं अल्लाह रसूल की बारगाह विच जा रहा हां एक काफिला मक्के पहुंचिया मक्के पहुंचे काबे ना हज कीता
मैदाने अरफात मुजदलफा सारे मकामात हुए। फिर आवाज उठिया भाई सारे अपने अपने काफिले सिद्धे कर लो, सुबह इंशाल्लाह एक काफिला मदीना मुनव्वरा रवाना हो सी। पैदल सफर आया अपना अपना ज्यादा सफर बन लो, समान अपना बन लो, ते सुबह इतने बजे निकलना है। आशक होवे जामी वर्गा ते एडे दूरों टुरिया होवे पैदल ते यार ना देश आ रहे होवे करीब ते दिल नी कैफियत के बड़ी हो सी। काफिला टुर पिया थोड़ा सफर करके फिर आराम करने आए। इधर जनाब काफिला तैयार होया उधर जड़ा मक्के ना अमीर आया जड़ा हाकम आया उसने ख्वाब में अंदर रसूलुल्लाह आ गया। अमीर ने मक्का नी ख्वाब में अंदर रसूलुल्लाह आ गए। मेरे नबी ने फरमाया अमीर मक्का ए जड़ा अफगानिस्तान विचों काफिला आया वे इन्हां काफिले दे अंदर एक बंदा वे जिहदा नाम अब्दुल रहमान जामी है। ए अमीरे मक्का मदीना नहीं आना चाहिदा वे। अमीरे मक्का ने ख्वाब तकिया रसूलुल्लाह वापस चले गए। अमीरे मक्का आ गया उन्हें आखिया ए जड़ा काफिला वे दसो ना कित्थों आया वे कित्थों आया वे। मौलाना अब्दुल रहमान जामी दे काफले को अमीरे मक्का पहुंचिया उन्हें आखिया दसो थोड़े विचों अब्दुल रहमान जामी कौन है शकीरदा ने आखिया उस्तादुल उलमा मौलाना अब्दुल रहमान जामी है तशरीफ फरमाने। अमीरे मक्का ने आखिया जामी इतने दूरों सफर करके आया वे हुण मदीना पाक जान दा याद आई पर मदीने वाले ने मना फरमा दिता वे तू मेरे कोल नहीं आ तू नहीं आना लिहाजा काफले विचों निकल बाकी काफला जाए। अमीरे मक्का ने वापस मक्के वाले पासे भेजिया ते काफले मदीने वाले पासे रवाना किया। मौलाना अब्दुल रहमान जामी इश्क की वजह तू बेहोश हो गए। शगिरदा ने तलियां मलियां मूछ पानी पाया किथे अमीरे मक्का ना के ते पैगाम दे के चला गया भाई मेरा कसूर की है मेरी गलती की है क्यों मैनू मना किया गया वे कि तू मदीने ना आ। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रोन लग पे इतना रोए लोग बेबस हो गए। उन्हें आखिया जामी साहब इंज करो नाल फिर मिल जाओ एक ऊंटा दा काफला जा रही है। ऊंटा दे काफले वालिया नु रोकिया किया ऐ ऊंटा वालियो इंज करो ना अपनिया पक्षियां च मैनू बंद कर लो जितने पैसे आखोगे मैं देवांगा एक बारी मैनू सोने दे देश मदीने पहुंचा दियो कमली वाले दे देश मदीने पुजा दियो। उन्हें किया जामी ठीक है इधर जनाब काफला जिस वेले टुरिया रात ना वक्त अमीरे मक्का नी ख्वाब नी अंदर फिर रसूलुल्लाह दी ज़ियारत नसीब हो गई। मेरे नबी ने फरमाया अमीरे मक्का जिनू कल रोकिया सी आ ओ अज फिर पिया लावी जिसा रोकी फिर आ रहे। अमीरे मक्का जल्दी जल्दी उठिया ओ बड़ा खुश कि अज दुआ दिन रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो रही है हैं कमली वाले ना दीदार हो रहे है ओ अपनी जगह बड़ा खुश आए रोक लिया ऊंठा वाले ने ए ऊंठा वाले हो अपने अपने बक्से चेक करवाओ बक्से चेक करवाओ। मौलाना अब्दुल रहमान जामिया में बाहर कढ़िया बार कट के फरमाया ओ तैनू मैं आखिया सी ने तू मदीने नहीं जाना चल वापस वापस हो गए। फिर एक बकरिया ना ते पेड़ा ना रेवड़ जा रहे है रेवड़ वाले आखने तू ऐसा तरीका हो सकना है कि मैं थोड़े नाल मदीने टुर जावा। उन्हें आखिया मेरे मक्का ना बड़ी सख्ती नाल आर्डर है कोई सबब कर दे। उन्हें आखिया इंज हो सकना साढ़े को खाल पई ये भेडा नहीं ओ तेनू देने हैं तू अपने उत्ते पा लै इस भेडा ने अजड़े च नाल शामिल हो असा की पेस बिटाए यार तेरे मिलने लई हैं।
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੇਵੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰੇਵੜ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰੇਵੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਜਨਾਬ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰੇਵੜ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀਆਂ ਪਕੜਵਾਇਆ, ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਜ਼ਾਰੋ ਕਦਾਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸਤਖਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਨਮ ਫਰਸੂਦਾ ਜਾ ਪਾਰਾਜ਼ੀ ਹਿਜਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਪਕ ਮਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇੱਧਰ ਇਸਤਖਾਸਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉੱਧਰ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਮੀਰ ਮੱਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰ ਮੱਕਾ, ਇਹ ਜਾਮੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਐ ਮੀਰੇ ਮੱਕਾ, ਅਗਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮੀਆਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾ ਜਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਮੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਾਮਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਨਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਦੀ ਨਾ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਆਜ਼ਮ ਯਾਰ ਯਾਰੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋੜੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਮੀਰ ਮੱਕਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਖਾਦਮ ਨੱਚਣ ਦਾ ਨੇ ਬਈ ਯਾਰ ਮਿਸ਼ਰੀਫ, ਯਾਰ ਮਿਸ਼ਰੀਫ
बाहर कढो इसां दुनिया तवज्जो है सनी जिस वेले मक्के विच ऐलान हो गया उन्हां किया ए कोई आम बल्ला नहीं है ए कोई आम बल्ला नहीं है ए ते मौलाना अब्दुल रहमान जामी है जेड़ा सिख ते मोहब्बत लेके आया वे सरकार नसना खान है सरकार दिया नाता लिखण वाला वे पढ़न वाला वे अमीरे मक्का जनाब आए ने उन्हां जनाब ताला खोलिया अवलाद ना ताला खोलिया अमीरे मक्का जनाब अब्दुल रहमान जामी ने आकर जिना इज्जत उठो मिली होवे जिना जनाब उस बारगाह विच इज्जत मिली होवे अरे बादशाहों ने हमें झुक के सलामी दी है अरे बादशाहों ने हमें झुक के सलामी दी है क्योंकि हमने सरकारे मदीना की गुलामी की अमीर है मक्का जनाब कदमा विच मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया खैर की होया वे उन्हें आखिया मैनू माफ कर दे मैनू माफ कर दे अब्दुल रहमान जामी ने आखिया केड़ी माफी मैं तेनू अंदर बंद कीता वे जामी दी अखा विच आंसू आ गए जामी ने आखिया मेरे मक्का माफिया ना मंग बस इतनी इजाजत दे दे के मैं यार ने दे कमली वाले निबारगा भी चुर जावा इतनी इजाजत दे दे क्योंकि मेरे दिल या हुण चैन नहीं आ बड़ा दिल पे चैन हो गया भी मेरे काफले वाले ते पहुंच गए होंगे मैं इत्थे जनाब बैठा होया वा अमीरे मक्का ने आखिया ओ जामी तू बड़िया नसीबा ले बड़िया मुकदरा ले मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आखिया मैनू तेरी गल समझ नहीं पी आउंदी है बस मैनू ते इक्को गल है कि मैनू कमली वाले दे देश जाण दी इजाजत दे दियो उन्हें आखिया जामी तेरी वजह तू बार 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 रसूलुल्लाह ना दीदार पिया लावे मैं इतना अरसा हो गया वा मक्के जमीरी पिया करना वा कदे सरकार दी ज़ियारत नहीं होई है तेरी वजह तू बार बार ज़ियारत होई है कमली वाले दा पैगाम लेके आया वा जामी आखिया सोने ना पैगाम जी कमली वाले ना पैगाम लेके आया वा कमली वाले ने खाबियत पैगाम दिता वे जामी दी अखा विच आंसू आ गए जामी ने आखिया या रसूल अल्लाह अगर इदी खाब विच आ सकने हो ते मैं भी ते आप ना दीवाना मैं भी ते आप ना मुहब्बत करन वाला वा जामी ने आखिया ओ खाब दे अंदर दीदार करन वाली आ जरा अपनी अखियां नेड़े करना ओ जिना खिया ए मेरा दिल बड़ी डीठा ते ओ खिया तक ए लईया ए तू मिलिया ते साजन मिलिया हुण आसा लग पई जामी ने आखिया होर सरकार ने की फरमाया वे अमीर है मक्का ने आखिया कमली वाले ने फरमाया वे मेरे दीवानिया मेरी तरफ पैगाम दे दियो ओ दीवानिया तू मदीने ना भी सारी दुनिया मदीने वाले पासे जा रही है पर मदीने दा ताजदार अज राती तेरे खुला पा जावे जामी ये पैगाम सुनिया अमीरे मक्का ने आखिया जामी आ तू मेरा मेहमान उस आखिया नहीं मैं उन्हां रावां ते बैवांगा
उन्हां रस्तियां ते बैठांगा जिथे सोना आवेगा उथे बह के अपना मुंह मदीने वाले पासे करके फरियाद करांगा ए कमली वाली ओ जे जींदे लंघ आया नवी ते लंघ आवी वकीत दफन दे ए कमली वाली ओ जे मेरी जिंदगी विच ना आए ते जिस वेले मैं मर जावा मेरे दफन वेले आ ए कमली वाली ओ जे जींदे लंघ आया नबी ते लंघ आवी वकी ते दफन दे साईं देख गिनी तेंडे आवण ते खुल मैसन बंद कफन दे ते दुख चलसन आ लमे बरजख दे निप वैसन वक्त अमन दे पे आके तू खाजा रूआ विच है निलख एहसान सजर मदीने दिया रामा जी जामी बह गया मदीने वाले पासे मुंह कर गया किया कमली वाली हो लोकां दी ओर सहारे लख पर मैनू सहारा है तेरा हर कोई आखे मेरी मेरी ते मैं आखा तेरा 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 जे मैं लख आखा लख तेरा तेरा कदे तू भी कह छड़ मेरा ए वक्त अखीरी अखियां मेरिया तेरा तकना ए तेरा अच्छा बात मरण दे एक कब्र मेरी दे आ पावी हिक फेरा ते हड्डियां मेरिया उठ कब्र थी ते कर सन मुजरा तेरा मदीने नहीं आ रहा हूं अच्छा जामी बह गया जिस बंदे या किसी ने आने की आस लगी हो अख लाना चाहे भी ते अख नहीं लगी क्यों जाबर साहब नहीं लगी लोग एक जरनैली मुहावरा बनाया भाई यार इंतजार बड़ी डाढ़ी शहर है इंतजार डाडा होना मौलाना अब्दुल रहमान जामी मदीने दे आरामां च बह गए ने कमली वाला केड़े वेले आणगे किस टाइम आणगे आस लग के बह गई आण तू सोने ने ते मना फरमा दिता वे आणे तू कमली वाले ने मना फरमाया वे लेकिन भी फरमाया ने के अज राती मैं आप आ जावांगा जामी जनाब इंतजार पिया करे थोड़ी देर गुजरी रात ना एक पैर गुजरिया दूसरा पैर गुजरिया सुनो दुनिया भी समाप्त करने वाली हो ए मेरी गल होवे तुसी ना मनो अज भी पढ़ के वेख लो ना साढ़े पांच छह सौ साल गुजर गए ने अज भी जिस वेले जामी दा कलाम पढ़िया जावे मौलाना अब्दुल रहमान जामी दा कलाम चाहे जनाब कवाली च पढ़िया जावे चाहे नाद खानी च पढ़िया जावे चाहे जुमे दे स्टेज च पढ़िया जावे ते दिना दिया सीनियां च ईमान होना आवे इश्क होना आवे हुण वी उन्हां सीनियां विच हरारत पैदा हो हरारत पैदा हो जाने इश्क जाग उठना मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहंदे ने मैं मदीने वाले पासे पिया वेखां अचानक मेरे मोड़ियां ते एक नरम जिया हाथ आया मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहंदे ने नरम जिया हाथ मेरे मोड़ियां ते आया बस आनी देर आई इतनी खुशबू हो गई मैं पिछा मुड़ के वेखिया पिछा मुड़ के वेखिया और खुद सोचो ना मंजर कैसा होएगा अब्दुल रहमान जामी कहने मैं वेखिया एक सुतिया होया नहीं जाग दिया होया रसूल अल्लाह ने फरमाया ओ जामी ओ मेरिया नाता लिखण वालिया मेरिया नाता पढ़ वालिया ए
कलाम लिख दिता भी लै मैं नजरे करम आप मुहम्मद जामी कहते ने मैं रसूलुल्लाह ने कदम रसूलुल्लाह ने कदम कदम बोसी पिया करा मेरे नबी ने फरमाया जामी हुण दसदा की लिखी की लिखिया भी जामी ने आखिया सोने मैं जो लिखिया वे लिखण दा मुल पै गया वे सोनिया मैं जो लिखिया वे मैं आखिया कमली वाले ओ थोड़े फिराक तेज मेरा दिल पारा पारा हो गया वे ऐ सोनिया नजरे करम फरमाओ ना ते कमली वाले ओ तुसा नजरे करम फरमा दिता वे मेरे नबी ने जनाब अपना दीदार कराया वे फिर जामी ना ओ कलाम इतना मकबूल होया इतना मकबूल होया इतना मकबूल होया फिर अफगानिस्तान तो लैके ते ओ शाम उर्दन लुबनान यूनान अरबो अजब ने अंदर जामी ना एक कलाम फिर फैलिया फैले कि जिना जिस कलाम आ सोने आप पसंद फरमाया जिसा कमली वाले पसंद फरमाया जिस कलाम आ ओ फैले ना ए कमली वाले ना ओ आशिक ए अहले सुन्नत दियां स्टेजां तू तुसा इश्के मुस्तफा नियां ऐसियां गल्लां मिल सन मुहब्बत रसूल नियां ओ इमामे बुसीरी तक लो तुसी ना सुनिया ने ना जिन्हां नहीं सुनिया ओ सुन लो ए जिहड़ा कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ने आ मौला या सल्ले व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्के कुल्ले मी जिसले इमाम बुसीरी एक कसीदा शरीफ लिखिया ना कसीदा शरीफ बड़ी सिक्का ही रसूलुल्लाह नी बारगाह पे जाने नी उना फालज हो गया बड़े बड़े लोगों को लगे इलाज वास्ते ठीक ना होए एक दिन बैठे ते कहंदे ने जिन्हां ने कलाम लिखिया उस सोने दी बारगाह विच इस्तखासा पेश कर देवां जिन्हां ने नात लिखी है उन्हां दी बारगाह विच भी इमाम बुसीरी ने कमली वाले दी बारगाह अकदस विच इस्तखासा पेश कर दिता इस्तखासा पेश कर दिता ते जिथे सारिया दुआवां मुकनियां ने ना ते सारिया दुनिया दी दुआईयां मुकनियां ने जिथे उतो फिर मेरे रसूलुल्लाह दी बारगाह दी इब्तदा होई बस इस्तखासा पेश किया पता नहीं कि अंदाज नाल रसूलुल्लाह दी बारगाह विच उन्हें फरियाद की थी फरियाद करन नहीं दे रही राती अपने कमरे च सुते ख्वाब दे अंदर सोने दी जियारत हो गई कमली वाले दी जियारत नसीब हुई मेरे नबी ने फरमाया बुसीरी सुना तेरा की हाल है बुसीरी ने आखिया कमली वाले हो फालज हो गया उठ ना सकना टुर ना सकना वा सारिया दवाइया रह गई फिर आपनी बारगाह विच इस्तखासा पेश किया मेरे नबी ने फरमाया ए ते गल ही कोई नहीं है ए अल्लाह दी अता नाल तूने ठीक हो जाएगा कमली वाले ने अपना दस्ते शफकत बुसीरी ने जिस्म ते फेरिया ते बुसीरी कहने है कि मेरी बीमारी मुक गई मैं ख्वाब विच मंजर पिया वेखा सरकार ने फरमाया बुसीरी जरा बड़ा सोहना कलाम लिखिए मैं अपने अल्फाज विच अब क्या करना कि सरकार ने फरमाया बुसीरी बड़ा कलाम लिखे ही मेरे बारे विच मैनू सुना ना इमाम बुसीरी कहंदे ने मैं ख्वाब ने अंदर रसूलुल्लाह नी बारगाह विच अपना एक कसीदा लिखिया पेश कर दिता मैं एक कसीदा जिसले कमली वाले नी बारगाह पेश किया मेरे नबी ने फरमाया बुसीरी बड़ा सोहना कलाम लिखे लै फिर मेरे वालों तोहफा भी लै ख्वाब ने अंदर कमली वाले ने अपनी काली कमली ऐं तय करके सरकार ने अपनी चादर मुबारक इमाम बुसीरी या तोहफे विच दिती तोहफे दे के सरकार वापस चले गए सरकार वापस गए इमाम बुसीरी कहंदे ने मेरी अख खुली ते कमरा खुशबू नाल भरिया होया मैं एकदम उठिया वहां तकिया बीमारी खत्म हो गई ख्याल आया सरकार ने ख्वाब चादर दिती है मैं सराहने वाल वेखिया ते चादर सराहने ते पई गई
सराहने ते पई हुई है। इमामे बसीरी फरमाते ने कि वो चादर में चुमी अजे मैं बाहर ही निकलिया सा एक बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग आके शेख साहब अल्लाह ने बड़े मकबूल बंदे है, उन्हें आख्या बसीरी तेरे ते सलाम होवे। वालेकुम सलाम, ओ तू ठीक हो गए, मुबारक होवी, पता ही मैं क्यों आया वहां? आखे नहीं, फरमाया जरा कलाम सरकार राती सुनाई ना, वो मैं सुनने हस्ते आया। इमाम बसीरी ने आखिया थानू कि पता लगा? ये तो मैं राती खाब तकिया। शेख साहब ने फरमाया बसीरी जिस वेले तू सरकार आए कलाम सुना रहा से असी भी सरकार न लाए से कलाम सुना। मैनू इमाम बसीरी ने कलाम सुनाया, फिर उस कसीदा बुरदा शरीफ हाँ इसका ना ही ता पिया बुरदा शरीफ चादर वाला कसीदा के सरकार आन के चादर दिखी। अज पंद्रहवीं सदी ने मुफ्ती के पता या किसी मजहबी सकालर के पता या किसी एंकर के पता के मुहब्बत वाली गल्ला सरकार किंज अता करने किंज नवाजने ते सरकार जिस वेले करम करन ते आवन ते फिर टेल नहीं लगनी ने है, फिर अहन चटपट ही सारे काम हो जाने ने, फिर आनन फानन ही सारे काम हो जाने ने। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी अला रहमान आप कमली वाले नी बारगाह विचों फैज याब होके फिर आपने ईरान इराक ने भी बड़े दौरे ने, उस तो बाद फिर आप वापस अपने देश ही आए, अपने देश आए और आपना जड़ा विसाल है ओ जुमे वाले दिन 18 मुहर्रम अल आराम 898 ठीक फजर नी अजान ने वक्त आपना विसाल होया और आपने पीरो मुर्शद ना जड़ा दरबार है काबल ने अंदर शेख अबैदुल्ला हरार ने उस दरबार ने अंदर आपना मजार शरीफ बनिया। आज भी दुनिया जानी है आपने मजार दे उते ते जिस बने या सिख होवे मुहब्बत होवे इस गल नहीं कि आशके रसूल मौलाना अब्दुल रहमान जामी नी बारगाह भी साड़ी हाजरी लग जावे आकरनी मैं गुलामा नी गल पिया करना। ते ए कलाम जड़ा उन्होंने फारसी ने अंदर लिखिया इस कलाम पढ़ के मौलाना अब्दुल रहमान जामिनी बारगाह में इस्तगासा पेश करो ते कोई ऐसा सबब बनसी कि आशिक रसूल तुसा अपने मजार से बुला लैसी। अगर ये आशिक रसूल जेडे कमली वाले नी बारगाह में तू फैज याब होए होवन उन्होंने ये मकाम है, फिर खुद सोचो मदीने ने ताजदार ना के मकाम वसी है। हो गई खत्म जिंदगियां कलम टूट गए तेरे ओ साफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दुआ करो जब तक जिंदा रहिए रसूलुल्लाह दी नाता सुन दे सुनांदे रहिए, मरिए ते उस वक्त भी हजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी साड़ियां जुबाना ते होवे ते कल जदू कब्रां तू उठिए उस वक्त भी सरकार दी नाता साड़ी जुबान ते होन। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते उत्थे भी आंख खुले ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ना जिक्र साड़ी जुबान ते होवे। मनशा यही है सिलसिला ए कीलो काल की होती रे सना तेरे हुस्न व जमाल की कौसर मुझे है एक ही एजाज की हवस कह दे वो अशर में ये हमारा गुलाम है। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाजरी कबूल।